हेलो एवरीवन, आप सभी लोग जल्दी लाइव आइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे इस अमूल फेसबुक लाइव पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सहयोगिता सिंह और आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ मखाना बॉल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिक होती है लेकिन बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप फास्ट में, ऐसे ब्रेकफास्ट में, किसी भी समय इसे आप खा सकते हैं। तो चलिए देखिए, आपको हम दिखाते हैं क्या क्या हमने इसमें यूज किया है। हमने यहाँ पे 40 ग्राम लिया है मखाना और यहाँ पे 125 ग्राम हमने गुड़ लिया है और ये हमने इलायची पाउडर लिया है और यहाँ पर लिए हैं हमने व्हाइट वाला तिल, जिसे हम यूज करने वाले हैं, और इसमें हम अमूल का घी यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले इसमें हम अपने जो तिल है इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। और ये प्रोसेस हम बहुत ही धीमी फ्लेम पर करेंगे। जब इस मखाना रेसिपी में हम तिल डालते हैं तो इसका स्वाद जो है बहुत ही दोगुना हो जाता है। इसमें इसका जो क्रंच होता है और तिल का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसलिए इसमें तिल में जरूर डालती हूँ। बिल्कुल हल्की फ्लेम पे इसे हमें, थोड़ा है भी तो वैसे भी हमें धीमा रखना है, क्योंकि कोई भी चीज हमारी ओवर कुक या फिर जलनी नहीं चाहिए। बस ये हो गया, ज्यादा इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। हल्का सा ये जब चटकने लगे तब इसे हम उतार लेंगे। उसी कढ़ाई को यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा हम घी का यूज करेंगे, ज्यादा घी डालने की जरूरत नहीं है। और इसमें डाल देंगे हम मखाना। इसे भी हमें धीमी फ्लेम पर ही इसे हमें कुक करना है।
घी डालने से क्या होता है, ये कुक बहुत अच्छे से और जल्दी ही कुक हो जाता है। और नहीं तो आप बिना घी के भी इसे आप बना सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा घी डालेंगे इसके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। और दूसरी बात है कि अमूल का घी जब हम यूज़ करेंगे तो क्या ही कहने, मैं हमेशा अमूल का ही घी यूज़ करती हूँ। आप सब भी इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अभी इसे हम एक मिनट और अभी थोड़ा सा भूनेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जरा सा भी जलना नहीं चाहिए, और ये आप इसे धीमी फ्लेम पर जब आप इसे बनाएंगे तभी ये अच्छे से कुक होगा। इतना कुक करना है कि आप इसे तोड़े तो ये बिल्कुल पाउडर बन जाए। अभी नहीं हो रहा है इसलिए अभी हुआ नहीं है। ये देखिए अभी, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी थोड़ा और इसे हम करेंगे। मखाना वैसे भी इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, तो इसलिए जो है अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे यूं ही चलाते रहेंगे। थोड़ी देर चलाएंगे इसे, ये देखिए अभी हमारा कुक हो गया है। अब इसे हम एक किनारे करेंगे। इसमें भी हम थोड़ा घी डालेंगे।
और इसमें डाल देंगे हम गुड़। चलाएंगे धीमी फ्लेम पे, इसे हमें चलाना है। ये बॉल्स बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल कुरकुरे क्रंची। जिन लोगों को मखाना नहीं पसंद है वो इसके साथ इसे बनाकर अच्छे से खाएंगे तो टेस्ट बहुत ही डिफरेंट लगेगा। आज हम बना रहे हैं गुड़ मखाना बॉल्स की रेसिपी। जब ये मेल्ट होने लगेगा तब ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। देखिए मेल्ट होने लगा है। फ्लेम इसका धीरे ही रखेंगे। अभी देखिए मेल्ट हो गया है। सारे इसके जो टुकड़े हैं वो गल गए हैं। इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक कटोरी में पानी लेंगे
और उसी में हम चेक करेंगे। ऐसे डालकर हम चेक करेंगे इसे ठंडा। ये ठंडा हो गया है, ये हो गया है। इन सभी मखानों को भी इसमें डालेंगे और इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे और तिल। अच्छे से इसे मिलाएंगे इसको जब तक ये पूरी तरह से कोट ना हो जाए। देखिए इतने मखाने के लिए गुड़ हमारा बिल्कुल पर्याप्त है। अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे हम अलग अलग कर देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें हम अलग कर देंगे। ये भी अलग हो जा रहे हैं, जब छूने लायक हो जाएंगे थोड़े से नॉर्मल हो रहे हैं, क्योंकि जब हम इसे अलग नहीं करेंगे तो फिर ये एक में ही रहेंगे और ये ऐसे ही रहेंगे। परंतु जब इसे हम अलग कर देंगे तो ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल ही अलग अलग और बॉल्स की तरह हो जाएंगे। इस तरह से सारे बॉल्स को हम अलग कर देंगे।
सारे बॉल्स हमारी ये अलग हो चुके हैं और जैसे ये ठंडे होंगे तो ये बहुत ही क्रंची हो जाएंगे। तो ये हमारे मखाना बॉल्स बन करके रेडी हैं। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक अमूल के नए प्रोडक्ट के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगली रेसिपी हम कौन सी बनाएंगे।